जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के संदर्भ में एक छोटा सा अपडेट लेकर के आया हूं। यदि आप जूनियर भर्ती से ताल्लुकात रखते हैं और सारी प्रक्रिया आपने पूर्ण किया हुआ है, केवल अब ज्वाइनिंग बाकी है, तो क्या चल रहा प्रकरण, उसी के संदर्भ में एक छोटा सा अपडेट मैं लेकर के आया हूँ। तो आपको पता है कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती पहली बार शासन अपने स्तर से परीक्षा करा करके जूनियर एडेड स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति करने के लिए प्रक्रिया आरंभ किया था लगभग सन 2022 में। आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार उसका तमाम प्रकार का जैसे मैटर कोर्ट में भी पहुंचा, रिजल्ट भी आप लोगों ने देखा कि लगभग दो बार रिजल्ट आया, और आप लोगों को पता है कि कोर्ट के द्वारा आप निस्तारित भी हो चुका है। लेकिन यह समझ में नहीं आ रहा है कि यह प्रक्रिया क्यों लंबित है और क्यों यह प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है। इसके संदर्भ में ही आज का यह जो छोटा सा अपडेट मैं लेकर के आया हूं। जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान में प्रबंधक जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती नहीं कर सकते हैं, अर्थात पहले यह भर्ती प्रबंधक अपने स्तर से ज्वाइंट डायरेक्टर के माध्यम से कर लेते थे, लेकिन अब उनके हाथ में कुछ रह नहीं गया और 2022 का विज्ञापन और अभी तक निस्तारित नहीं हो पाया। आप बताइए, शिक्षकों की कमी थी क्योंकि उन लोगों से जब डाटा मांगा गया था कि कितने पद खाली हैं, तो उन लोगों के द्वारा जितने पद खाली थे उससे कम ही डाटा, उस समय की जो न्यूज है बता रहा हूँ कि शायद कम ही डाटा वो लोग दिए थे, क्योंकि उनको पता था कि गवर्नमेंट अपने स्तर से भर्ती करेगी तो उनको तो कुछ उसमें मिलना नहीं है। जब वह स्वयं अपने स्तर से भर्ती करते थे तो उसमें आपको पता है कि एक अच्छा उनको बेनिफिट हो जाता था। कैसे होता था वो आप लोग पूर्व में जो लोग इसे मैनेजमेंट से जो नियुक्ति पाए हैं उनको पता भी होगा, और अगर आप जानकारी चाहें तो उनसे पूछ लीजिएगा। मैं सोशल मीडिया पे इस तरह की बातें करना उचित नहीं समझ रहा हूँ। तो उस समय जो डाटा गया था शिक्षकों का, वर्तमान की स्थिति यह है कि शिक्षक वहाँ पे गवर्नमेंट ने भेजा नहीं और वह लोग अपने तरफ से नियुक्त कर नहीं सकते हैं। अब विद्यालय चले तो कैसे चले, विद्यालय चलाने के लिए तो शिक्षक होने चाहिए, अगर शिक्षक नहीं रहेंगे तो विद्यालय चलाना बहुत ही मुश्किल है। बेसिक का हालात आप देख पा रहे होंगे कि बेसिक में जहां बच्चे कम हैं वहां आप देखेंगे अक्सर तो अध्यापक भी वहां कम ही मिलेंगे, कुछ रेयर केस में इसका उल्टा देखने को मिलता है बेसिक में, लेकिन अधिकतर केसों में यही है कि वास्तव में पर्याप्त अध्यापक नहीं है। और जहाँ पर्याप्त अध्यापक है बच्चे अगर कम मिल रहे हैं तो ये तो गलत है, उन अध्यापकों के द्वारा अच्छे से अच्छा शिक्षण व्यवस्था वहाँ नहीं होगा या माहौल अच्छा डेवलप नहीं किया गया होगा, तो ये तो सीधे सीधे उनकी गलती मानी जा सकती है। तो यहाँ प्रबंधक लोग भी कोर्ट में पहुंचे थे कि या तो मुझे मौका दिया जाए भाई कि मैं अपने स्तर से भर्ती करूँ, विद्यालय चलाना ही है, विद्यालय कैसे चलेगा बिना अध्यापक के, तो या तो मुझे ही मौका मिले कि हम ही लोग अपने स्तर से नियुक्त कर लें। वो लोग कर भी लेते थे तो शासन स्तर से में जो कोर्ट से जो जवाब कोर्ट ने जो मांगा था उसमें अधिवक्ता के द्वारा यही बताया गया है कि प्रक्रिया अंतिम चरणों में है और न्याय विभाग के पास यह फाइल पहुंची हुई है। अब न्याय विभाग के पास वो पहुंची है, वो बता रहे थे कि अंतिम चरणों में है, तो अगर यह सूचना जिस तरह से ये सब सूचनाएं कैसे आती हैं, ये सूचनाएं जो अगुवाकार हैं, जो पैरवीकार हैं, जो लड़ाई लड़ रहे हैं जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के लिए, तो उन्हीं लोगों का वीडियो वायरल होता है, वीडियो लोग जारी करते हैं सोशल मीडिया पे, वो सब वीडियो जब हम लोगों को मिलता है तो वहां से जो सूचनाएं मिलती हैं तो वही पोस्ट आप लोगों को अवगत कराने की चेष्टा किया जाता है, क्योंकि सबके अलग अलग मतलब व्यूअर हैं। एक प्लेटफार्म ऐसा तो कोई है नहीं कि कोई एक प्लेटफार्म रहे कि जहाँ से सारी सूचनाएं सबको मिल जाए, तो बस यही है कि छोटे छोटे चैनल ऐसे ये सब सूचनाएं देते रहते हैं तो उनसे जुड़े हुए संबंधित को सब कुछ चीजें मिल जाती है, नहीं तो आदमी समझ नहीं पाता हो क्या रहा है। और तो परीक्षार्थी जो क्वालिफाई करके बैठा है जिसका हो भी जाएगा सिलेक्शन, वो भी नहीं समझ पाता होगा क्या क्या चल रहा है। तो बस यही है कि जो वहां से जवाब यही आया है सरकार की तरफ से, जो अधिवक्ता ने कहा है कि न्याय विभाग में फाइल है, अंतिम दौरों में चल रही है, तो चलिए देखते हैं कि हो सकता है कि यह जल्दी पूरी हो जाए, यानी वहां से निस्तारित हो जाए।
मतलब कहीं से अड़चन कोर्ट की तरफ से तो है नहीं, पता ये कोर्ट ने निषाद कर दिया है, जो चीजें थी शासन स्तर से थी, और शासन अगर कह रहा है कि अंतिम चरणों में है, न्याय विभाग में फाइल पहुंची है, तो चलिए देखते हैं कि जल्दी जल्दी अगर निस्तारित हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इधर तो प्राइमरी में भी मैटर देख रहे हैं, तमाम घमासान मचा हुआ, 69,000 भर्ती, 22,000 से 27,000 पदों तक, यह 68,500 के जो रिक्त पदों वाली कवाला जो मैटर है कि नई भर्ती निकाला जाए, कुछ लोग चाह रहे हैं समायोजन हो, तो ये सब हलचल जो मचा हुआ है, अब देखिए एक प्रकार है, समझिए कि त्रिकोणी मैटर देखा जाएगा, एक तरफ तो प्रतियोगी छात्र हैं, दूसरे तरफ सरकार है, और तीसरे तरफ यह कोर्ट है, त्रिकोणी संघर्ष चल रहा है। बाकी अब क्या आगे अपडेट होगा तो फिर आप लोगों को ये सब चीजें बताई जाएंगी। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया हो, लाइक करिएगा, और ऐसे यूजफुल वीडियो बनाता हूँ तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।